राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में डीडवाना के लोकप्रिय विधायक चेतन जी डूडी के नेतृत्व में मौलासर में ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का आगाज हुआ। और इस किसान सम्मेलन की खास बात यह है कि इसके इवेंट मैनेजमेंट से लेकर अपार जन सैलाबने से मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्नचित नज़र आए। पहली बार हमने देखा कि CM साहब ने स्वयं खुश होकर डी ब्लॉक से लेकर पूरे पंडाल में स्पेशल ड्रोन की अनुमति खुद की उपस्थिति में दी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐतिहासिक जन सैलाब से मुख्यमंत्री भी खुश थे। उनके साथ ही PCC चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, कांग्रेस की प्रभारी रंधावा साहब, कैबिनेट मंत्री रामेश्वर जी डूडी, नागौर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव, उप मुख्य सचेतक महेंद्र जी चौधरी और राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा जी के साथ NSVI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी समेत तमाम गणमान्य जन मौजूद रहे और नागौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत जी। हमारे बीच में सम्माननीय विधायक साहब चेतन जी डूडी हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ, समर्पण के साथ लोगों का दिल जीता है और लीडरशिप क्या होती है इस बात को सिद्ध किया है। और निश्चित रूप से आज ये बधाई के पात्र हैं। CM साहब ने भी, PCC चीफ ने भी, सम्माननीय रंधावा जी ने भी और डूडी साहब ने, सब ने एक मुख से फिर से एक नारे को दोहराया है, दूसरी बार आपनो चेतन आपनो डीडवाना। स्वयं डोटासरा जी ने इस नारे को माइक पर आकर आते ही उन्होंने एंट्री में इसी नारे के साथ में की और पूरे तरीके से विधायक जी को अप्रिशिएट किया है, बहुत सारी सौगात दिए, 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, 123 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया है और इससे पहले जो सैकड़ों कार्य हुए उनका भी जिक्र हुआ है। सर, आज ऐतिहासिक दिन है, महंगाई राहत कैंप, किसान सम्मेलन बहुत से राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन आज का दिन खास है। स्वयं CM साहब ने भी कुछ प्रोटोकॉल से भी बढ़कर आपके लिए अप्रिशिएशन किया और जनता के बीच में मैसेज दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसी योजनाएं लेके आते हैं जो साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती है। तो जब मुख्यमंत्री जी आए और लोगों का उनके प्रति प्रेम, लोगों का उनके प्रति एक ऐसा भाव कि जो कार्य करते हैं उसको कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि इनके कार्य की बदौलत हमारे जीवन में बदलाव आता है, तो मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को लेके, इस नतीजे से खुश कि मैं जो योजना लेके आ रहा हूँ, जो कि सोशल सिक्योरिटी जो उनका सबसे प्रिय विषय है राजनीति में, तो उस पर जब काम कर रहे हैं लोग, उनको लगता है कि मेरा जो पेट प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रहा है, उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को और लोग इस चीज़ को लेकर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगा और उन्होंने जो आप प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कह रहे हैं या दूसरी अन्य कोई भी बातें हैं, वो सारी की सारी यहाँ नज़र आई। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक सरकार का कामकाज ही नहीं, बल्कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, जो केंद्र सरकार का काम करने का तरीका है, जो सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, उससे साधारण व्यक्ति, किसान, गरीब सब आहत हैं। महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और मैं एक उदाहरण देता हूं, कई दफ़े मेरा एक मित्र है जो दिल्ली में वकालत करता है, वो मुझसे पूछता है, चेतन मैं ज़्यादा गरीब होता जा रहा हूं या महंगाई बढ़ती जा रही है? तो मैं उसको यही बोलता हूं, मित्र महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस महंगाई की राहत देने में हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, तो उसी का नतीजा है कि यही नहीं, इससे पहले जसरासर एक मीटिंग हुई, वो किसान सम्मेलन, बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, आज यहाँ है, इससे पहले राजाखेड़ा एक मीटिंग हुई थी, वो भी एक बेहतरीन मीटिंग थी। तो हर जगह लगातार किसान या साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कांग्रेस के प्रति अपना रुझान बढ़ा रहा है और नतीजा आपको भी यहाँ देखने को मिला। आज महंगा राहत कैंप का विजिट किया, लाभार्थियों को किट भेंट किए, उसके बाद में कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया, किस तरीके की बड़ी उपलब्धि अपने कार्यकाल की आप मानते हैं जिसको लेकर जनता का इतना अपार जन सैलाब उमड़ा? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका रहा, उस हरदम ये रहा कि मैं गरीब आदमी के लिए जीवन में कुछ कर सकूं या सुखद एक बदलाव लेके आ सकूं। उसी के तहत आप देखेंगे कृषि महाविद्यालय यहाँ बना, जो कि किसान के कहीं ना कहीं जीवन में उपयोगी या उपयोगिता रखता है। कन्या महाविद्यालय यहाँ बना, हमारे यहाँ पे दो दो तहसील बनी, हमारे यहाँ पे जिला अस्पताल बना। आज मेरे डीडवाना में बड़े गर्व से कह सकता हूँ 8 CHC यहाँ पे हैं, 8 CHC। विधानसभाओं में आपको 2 या 3 CHC नहीं मिलती, डीडवाना में 8 CHC हैं, PHC और सब सेंटर की तो हम गिनती नहीं करते।
तो ये सारे चीज़ ऐसे हैं। ढाणियों में अगर बिजली की बात करें तो पूरे के पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर ढाणियों में या ऐसे घरों में कनेक्शन में जहाँ पहले बिजली थी नहीं तो वो डीडवाना है पूरे राजस्थान में। तो हमने काम ऐसे किए हैं जो कि गरीब आदमी को छूते हैं। मैंने बहुत बड़ी सड़कें बहुत बड़े हाईवे नहीं बनवाए, मैंने ढाणियाँ छोटे गाँव उनको हाईवे से जुड़वाने का काम, एक से दूसरे गाँव को जुड़वाने का काम ये हमने किया है और उसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। जो आज आप बोल रहे हैं कि इतना जनसैलाब, या अब से पहले मैंने एक पदयात्रा की, उससे पहले एक पदयात्रा और की, उसमें भी आप देखेंगे लोग बाग खूब आते। लेकिन ये लोगों का आने के पीछे मात्र कारण ये है कि बिना किसी भेदभाव के बिना किसी फर्क के गरीब आदमी के लिए आप काम करते जाओ तो अपने मन के अंदर भी एक अच्छा अनुभव होता है, एहसास होता है, और उसके अलावा गरीब आदमी जिसको ज़रूरतमंद है हम उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर दें सरकार की सहायता से और जो अन्य हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसकी मदद से। आज सीएम साहब ने, पीसीसी चीफ ने, प्रभारी ने आपके टिकट से लेके आपके काम से लेके सबको सिक्योर कर गए, अब तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहा कि इतना लाड प्यार उन्होंने जताया है कि इस बात का जनता में भी मैसेज है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हरदम इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अपनी ईमानदारी से साफ नीयत से काम करते रहिए, नतीजा आता रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक कल को कौन बने कौन नहीं बने, ये किसी की बापोती नहीं है। जनता का आशीर्वाद, जनता माई बाप है, वो जो तय करते हैं उसी का नतीजा उसी का फल हमें मिलता है। लेकिन अगर बड़े नेता कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं, आपके बारे में दो अच्छे शब्द बोलते हैं तो वो आपको काम करने के लिए और प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो मैं इसको प्रेरणा के रूप में लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनकी ये प्रेरणा मेरे जीवन में बहुत आगे तक काम आएगी। आज आदरणीय रूपाराम जी डूडी साहब को भी सबने नमन किया, उनके कार्यों को, जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था वो दृश्य फिर से दोहराया गया, बल्कि उससे और नया रिकॉर्ड आपने बनाया है। तो पिताजी के उन पद चिन्हों का आज भी जनता में मैसेज है, उससे बढ़कर आप कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जनता की पिताजी के प्रति आपकी श्रद्धा। देखिए, मेरे पिताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी शायद तुलना, या जिनके कामकाज को लेके मैं कभी ये सोचूं कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं तो शायद कभी कर भी नहीं सकूं, मैं सोचता भी नहीं हूं कि उनकी बराबरी, क्योंकि उनके जैसा जीवन, उनके जैसा संघर्ष ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेता हूं और उनकी प्रेरणा मेरे लिए हरदम यही रही कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए काम करते रहो, साफ नीयत से करते रहो। और आज दिन भी मैं बदस्तूर रखता हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का ऊपर जहाँ कहीं भी वो हैं वहाँ से ये आशीर्वाद देते रहें कि हम ये, मैं ये काम बदस्तूर जारी रखूं, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी इच्छा है। एक सर जिला मुख्यालय की मांग आपने भी रखी, जनता ने भी रखी, कुछ कान में अच्छा सा मैसेज दे गए सीएम साहब? देखिए, कान या कोई मुंह पे बोले कान में बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको, मैंने जब भाषण दिया तब भी ये कहा कि जब नाम डीडवाना कुचामन रख दिया है तो ये बात एक स्वाभाविक हो जाती है कि जो दोनों के मध्य है उसको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सीएम को भी जब फैसला लेना है तो उनको फैसला लेते वक्त कहीं ना कहीं ये आभास होना चाहिए कि मैंने न्याय किया है। आप देखेंगे कोटपुतली बहरोड एक ज़िला बना तो उसके अंदर वो कोटपुतली के जो बहरोड और कोटपुतली के बीच की जगह है, तो हर समय ये फैसला इसी ढंग से होता है। तो मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ में नेचुरल जस्टिस में विश्वास करता हूँ, वकालत की पढ़ाई मैंने पढ़ी है, तो जो नेचुरल जस्टिस है वो ये बोलता है कि बीच में बनना चाहिए तो बीच में ही बने। और बीच में बनने के संकेत भी मुख्यमंत्री देकर गए कि इसका एग्जामिन करके यहीं बनना लगभग तय है। लास्ट सर, आज के कार्यकर्ताओं की मेहनत को, आपकी टीम को बधाई। देखिए, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, ये टेंट पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। जो व्यक्ति टेंट लगा रहा था वो ये बोल चुका था कि साहब हम तो इसको हटा नहीं सकते, दो दिन में नया खड़ा करना तो दूर है, हटा नहीं सकते। मैंने कार्यकर्ताओं को इसी जगह यहाँ मीटिंग ली इकट्ठे हुए, मैंने कहा भाई तय करो क्या करना है। उन्होंने बोला 28 तारीख तय कर दी, तो हमने तय कर दी। मेरे कार्यकर्ता लगे, प्रशासन के लोगों ने मेरा खूब सहयोग किया। ये टेंट ना कि वो जो हटा, जो गिरा, जो तहस नहस हो गया वो हटाया गया, बल्कि नया खड़ा कर दिया गया। और कलेक्टर साहब स्वयं ये बोल रहे थे कल सुबह जब आए कि ये जो नज़ारा भी दिख रहा है आप तो समय या तारीख दूसरी ले लो। लेकिन ये धन्यवाद मेरे कार्यकर्ताओं का, धन्यवाद मेरे उन तमाम शुभचिंतकों का जिन्होंने इसमें मदद की, और उम्मीद करता हूँ इनका ये प्यार, इनका ये स्नेह, इनका ये आशीर्वाद मेरे पास मुझे मिलता रहे। हरदम इनका जो हाथ है वो मेरे माथे पर है और हम लोग इसी तरह आगे लगातार लोगों की सेवा करते रहे। तो ये जन सेवा का एक बड़ा इतिहास आज 28 मई को डीडवाना मौलासर की धरती पर रचा, और ये कारवां ऐसे ही चेतन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा।